पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि एक समीकरण और सर्वसमिका में क्या अंतर होता है। समीकरण एक ऐसा बीजीय कथन होता है जो x के केवल एक मान के लिए सत्य होता है, लेकिन सर्वसमिका एक ऐसा कथन होता है जो x मतलब चर वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो आज हम लोग कुछ सर्वसमिकाओं पर आधारित क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, जिसमें पहली सर्वसमिका आती है a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह पहली सर्वसमिका है। अब आते हैं इसको सत्यापित करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। यह सर्वसमिका x के सभी मानों के लिए अगर सत्य होगा तो यह दिया गया कथन सर्वसमिका होगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं यह सर्वसमिका है तो इसका मतलब यह चर के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो यहां पर चर a और b यूज किया गया है, यहां पे चर क्या यूज किया गया है, a और b। तो यहां a और b का कोई भी मान रखें तो इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो अब यह तभी बराबर होगा जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। अब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर कैसे होगा, तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो a तथा b के अलग अलग मान हम लोग रखें और चेक करें कि इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि कोई सर्वसमिका चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, ठीक है, उसी तरह यह भी सत्य होगा अगर यह सर्वसमिका है तो। या उसका दूसरा प्रूफ करने का तरीका यह है, अगर इसका बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए तो यह सर्वसमिका है। तो क्या हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर दिखा सकते हैं, तो आइए चलिए इसको दिखाते हैं। इसका हम लोग लेते हैं बायां पक्ष। जब हम लोग बायां पक्ष लेंगे तो बाएं पक्ष में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बायां पक्ष मेरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए धन बी का दो बार गुणा। क्यों, अगर किसी भी चीज पर घात दो हो, किसी भी चीज पर घात दो हो तो उस संख्या का दो बार क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अर्थात a धन b का गुणा a धन b के साथ हम लोग करेंगे। अब बेटा देखो a धन b का गुणा जब a धन b के साथ करेंगे तो ये देखो इसका पहला पद पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा और दूसरा पद भी पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा। अब a का गुणा अगर इसके साथ मैं करता हूं तो a इंटू कितना होगा, a प्लस बी होगा। चिन्ह यहां क्या है, प्लस, तो यहां लिखेंगे प्लस। अब b का गुणा a प्लस बी के साथ करेंगे तो b इंटू a प्लस बी होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसके प्रथम पद का गुणा, प्रथम पद का मतलब क्या, बाहर आपका एक पदी है अंदर दो पदी है। अगर बाहर एक पदी है तो एक पदी का गुणा इसके प्रत्येक पद में होगा, और जब इसके प्रत्येक पद में करेंगे तो एक बार a का गुणा a में करेंगे तो a पे दो घात होगा और फिर यहां धन लिखा जाएगा। a का गुणा b में करेंगे तो कितना होगा, ए बी होगा। बोलो, अब यहां चिन्ह अगर धन है तो धन लिख लेंगे। अब देखो b का गुणा a के साथ करोगे तो कितना लिखा जाएगा, बी ए। अब ये चिन्ह धन है, ये चिन्ह धन, धन गुणे धन क्या होता, धन। अब बी का गुणा बी के साथ करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर। अभी देखो यहां क्या है, ए का गुणा बी के साथ किया गया है और बी का गुणा किसके साथ किया गया है, ए के साथ किया गया है। तो चाहे तीन में दो का गुणा करो, चाहे दो में तीन का गुणा करो, रिजल्ट क्या आना है, छह ही आना नहीं आना है। अगर दो में तीन का गुणा करते हो तब भी छह आएगा, तीन में दो का गुणा करते हो तब भी छह आएगा। चाहे दो में तीन का करो, चाहे तीन में दो का करो, आंसर सेम आएंगे। उसी तरह से चाहे a का गुणा b में करो, चाहे b का गुणा a में करो, ये दोनों बात एक ही है कि नहीं है। तो जब ab और ab एक ही है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर। ab जब ab के साथ जुड़ेगा तो क्या लिखा जाएगा, 2ab, ab धन ba, मतलब 2ab धन क्या लिखा जाएगा, b स्क्वायर। अब बताओ ये किसकी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आ रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यह एक सर्वसमिका हुआ, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका बायां पक्ष a स्क्वायर, बायां पक्ष जो है दाहिने पक्ष अर्थात a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। यही तो दायां पक्ष है, दायां पक्ष है कि नहीं है। अगर ये दायां पक्ष है तो इसका मतलब क्या हुआ, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आपने दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, यह दिया गया बीजीय कथन क्या है,
सर्व समीका है।